देखिए, ये मजबूरी का नहीं है, ये एक वैचारिक गठबंधन है। आपको मैं बता दूं, सन 55-56 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कोशिश की थी कि बाबा साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का रिपब्लिकन पार्टी में विलय हो जाए, और उसके बाद फिर जब ये पूरा आंदोलन बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद शिथिल पड़ गया तो मान्यवर काशीराम ने फिर वो शुरुआत की, फिर उसको खड़ा किया, फिर समाजवादी पार्टी के साथ हम लोगों के रिश्ते बने। बीच में खटास जरूर आई थी, पर उसके बाद से हमने देखा गोमती और तमाम जो नदियां उत्तर प्रदेश से, बहुत पानी नीचे से बह गया पुलों के। अब आज जो की जो चुनौती है, ये हमारी ऑर्गेनिक यूनिटी है, वैचारिक एकता है। हम दलित पिछड़ों, हम लोग मंडल कमीशन के भी पक्ष में हैं, हम रिजर्वेशन के भी पक्ष में हैं, हम महिलाओं के न्याय के भी पक्ष में हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी ताकत हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में, जब आप लेटेस्ट आप आंकड़े भी उठा के देख लें, 2017 के उन आंकड़ों को भी अगर आप देख लें, तो इनको 7% वोट मिला, 7% वोट मिला, साथ ही सीटें मिली। हम दोनों लोगों को मिलाकर, सपा और बसपा को मिलाकर 45% वोट मिला। 45% कहाँ के सामने, कहाँ ये 7% टिकेगा? मंडल आयोग हो तो भी उसके विरोधी वो थे, रिजर्वेशन के बाबा साहब को हराने का भी चुनाव में उन्होंने काम किया, हिंदू कोड बिल पे वो खिलाफ थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ कोई वैचारिक साम्य बनता नहीं है, इसलिए उनके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। हम अपनी मंजिल पर लगातार बहन मायावती जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। जैसा कि बहन मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम नहीं चाहते कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा करते तो ये लोग फंस जाते वहाँ चुनाव में, और ये अपना अन्य जगह जहाँ से ये अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि पार्टी ही ख़त्म हो, पर जहाँ ये जाके प्रचार वगैरह और अन्य राज्यों में जो कुछ करना चाहते हैं वहाँ पर प्रयास करें, भारतीय जनता पार्टी को ये भी रोकने की कोशिश करें। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इट इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। हम अपने सिद्धांतों से नहीं कोई समझौता करेंगे, पर रणनीति तो उस समय की परिस्थिति पर बनती है। हमको ट्रेन से जाना है कि बस से जाना है, हमको जाना लखनऊ है, कैसे जाना है ये तो बहन मायावती जी तय करेंगी। मोदी जी जो बनारस से पिछली बार एमपी थे, वो डर के मारे अभी घोषणा ही नहीं कर पाए हैं। तमाम बातें तो बहुत कही उन्होंने, उनकी हवाइयाँ निकल गई हैं जब से ये घोषणा हुई है। और मैं आपको बता दूं, वो तो अपना बनारस से लड़ने की भी घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो इतनी घोषणा कर दी, वो कम से कम ये तो कहें कि कहाँ से लड़ने वाले हैं। कोई कहता है कि उड़ीसा जाएंगे, कोई कहता है गुजरात जाएंगे, कोई कहता कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई स्थान नहीं।